युद्ध टलने वाला नहीं और बढ़ने वाला है, और संकेत यही है कि आज 27वां दिन है और युद्ध की तीव्रता सिर्फ बढ़ती लग रही है, कम होती नहीं। दोनों तरफ से दोनों पक्षों ने एक ही बात कही है कि भाई हम तो घुटने नहीं टेकेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है अब तो ऑल आउट अटैक का लेवल और इंटेंसिटी बढ़ा दी, और खासकर उन शहरों में जिसको कि वो पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहते हैं। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मारियुपोल से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मारियुपोल में रूस की भारी बमबारी चल रही है। मारियुपोल में इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, इमारतों में भीषण आग लगी है। अभी थोड़ी देर पहले एक इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट में भी रूस ने भारी बमबारी की थी। अब ये एक पोर्ट सिटी है और ये स्ट्रेटिजिकली बहुत ज़्यादा, ये खास तस्वीरें अभी आई हैं, वहाँ स्थानीय अभी मौजूद हैं और चल रहे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस इमारत की तरफ, जहाँ वो थोड़ी बहुत राहत देना चाहते हैं लोगों को, जिनकी मदद कर सके उनकी मदद करना चाहते हैं। पूरा शहर का शहर धीरे धीरे खाली हो गया है। 45,000 से ज़्यादा लोगों ने मारियुपोल से ही पलायन कर दिया है पिछले 24 से 48 घंटों में। ये देखिए किस तरह से आग की लपटों में घिरी हुई है ये इमारत। हर फ्लोर पर भीषण आग लग रही है और इसके आसपास की इमारतों पर भी आग लगी है और सारी इमारतें पूरी तरह से तबाह हैं। ये रूस की भीषण बमबारी के बाद हुआ है। मारियुपोल में अब एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ टैंक भी घुस आए हैं और टैंकों से भारी आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है। तो टैंक्स भी अब आग उगल रहे हैं मारियुपोल में। मारियुपोल एक स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट शहर है व्लादिमीर पुतिन के लिए दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में, जिसे अगर वो कब्जा कर लेते हैं तो खेरसान मारियुपोल के साथ साथ फिर वो दोनिएत्स्क, लुहांस्क और सीधे रूस तक सीधा सड़क का मार्ग जोड़ लेंगे। क्रिमिया से लेकर मॉस्को तक फिर सड़क के रास्ते वो अपनी फौज आगे बढ़ा सकते हैं और इस एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे। ब्लैक सी पर फिर रूस का डोमिनेशन होगा। इसीलिए दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अब भी अटैक की इंटेंसिटी भीषण है, तेज है। रूस पूरी तरह से आक्रामक है। अब जतोमर से भी खबर आ रही है। जतोमर में भी रूसी सेना का हमला और तीव्र होता हुआ दिख रहा है। इमारत में भीषण आग लगी है रूस के सेना के स्ट्राइक के बाद। यूक्रेन का दावा है ये सारी रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इमारतें हैं, जहां अब ये देखिए फायर फाइटर्स गए हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हर तरफ तबाही का मंजर है। जतोमर में भी पिन पॉइंटेड स्ट्राइक रूसी सेना का। अब वहाँ फायर फाइटर्स मौजूद हैं, स्थानीय फायर फाइटर्स जो अभी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और आग को बुझाने की, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास सिर्फ तबाही का मंजर है। बात फिर अब मारियुपोल की करते हैं, जहां रूस की भारी बमबारी चल रही है। रूसी टैंक भी अब मारियुपोल में बमबारी कर रहे हैं, यही खबर आ रही है। मारियुपोल में रूसी टैंक का बहुत बड़ा जमावड़ा है, जिसने अब ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल से एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ ग्राउंड स्ट्राइक्स भी करना शुरू कर दिए हैं और आर्टिलरी फायरिंग बहुत तीव्र हो गई है। मारियुपोल पर कब्जा यानी डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रिमिया, ये सब रूस से जुड़ गए। खेरसान पर पहले ही कब्जे का दावा कर चुका है, खारकीव पर भी कब्जे का दावा कर चुका है, कीव की घेराबंदी कर चुका है रूस। इरपिन में भारी बमबारी चल रही है, ये पूर्वी यूक्रेन में है, लेकिन उत्तरी यूक्रेन में है, लेकिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ये शहर मारियुपोल, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस आप देखें तो हर जगह तबाही का मंजर है। हर तरफ आग की लपटें दिख रही हैं या काला धुआं दिख रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में, बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना ने अब एक बहुत बड़ा दावा किया है। चर्नीव से रूसी सेना को खदेड़ा, ये बहुत बड़ा दावा यूक्रेनी सेना का कि चर्नीव से अब रूसी सेना को खदेड़ चुका है यूक्रेन। चर्नीव पर कुछ दिन पहले रूस ने कहा कि हमने कब्जा कर लिया है, हम हावी हो चुके हैं, ये शहर अब हमारे कब्जे में है, लेकिन चर्नीव से यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। बहुत बड़ा दावा ये सैटेलाइट इमेजेस बमबारी की, पिन पॉइंटेड टारगेटिंग की। अब रूस यूक्रेन युद्ध से एक और बड़ी खबर कि यूक्रेन युद्ध में 117 बच्चों की मौत हुई है। अब तक के ये ऑफिशियल आंकड़े हैं,
ये आंकड़े ऑफिशियल कम बताए जा रहे हैं, कई ज्यादा बच्चे मरे हैं, सिविलियंस मरे हैं, ये अनऑफिशियल आंकड़े कहते हैं। लेकिन यूएन का कहना है कि अब तक 117 बच्चों की मौत इस भीषण युद्ध में हो चुकी है पिछले 27 दिनों में। हर तरफ तबाही का मंजर, कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए हैं और अपने देश को छोड़ने में मजबूर हो गए हैं। बॉर्डर्स पर अब भी लोगों का तांता लगा हुआ है, कई सारे पूर्वी यूक्रेन के शहर अब खाली हो चुके हैं, पूरी तरह से घोस्ट सिटीज बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर नागरिक अपने घरों को छोड़कर, अपनी दुकानों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। सत्ताईस दिनों से जारी जंग की वजह से यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है, 17 शहरों में, 24 में से 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है। कई शहरों में रूस की बमबारी अब भी जारी है और वो भी तीव्रता से जारी है, उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन नेटो के रवैये से नाराज हुए हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की कहा नेटो डरता है रूस से, जेलेंस्की का रूस से नेटो के से डरने का दावा भी है। पुतिन से मीटिंग के लिए जेलेंस्की का एक प्रस्ताव भी है, वो कहते हैं कि नेटो की सदस्यता से पीछे हट जाएंगे, उस मांग से पीछे हट जाएंगे अगर रूस सिक्योरिटी की गारंटी देता है और यूक्रेन के सारे शहरों से कब्जा कर पीछे हट जाता है। जो बाइडेन को केमिकल हमले की आशंका है, जो बाइडेन का कहना है कि अगर रूस ये आशंका जता रहा है केमिकल वेपन्स की, बायो वेपन्स की, तो ये मान ले कि रूस उसका प्रयोग जरूर करेगा। हालांकि अमरीका और यूक्रेन के पास ये हथियार, ये वेपन्स नहीं है, लेकिन रूस का दावा है कि यह सब अमेरिका की का किया जा रहा है। अमेरिका पूरी तरह से केमिकल और बायो वेपन से लेस है और यूक्रेन में इसकी रिसर्च भी कर रहा था। रूस के हमले में 3,780 घर तबाह हुए हैं अब तक के, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को अब तक छोड़ दिया है, ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ तक जा सकता है, ये यूएन का अनुमान है। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर है, ये कीव से आ रही है, यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा, कीव से हटने को मजबूर है रूसी सेना, कीव से बाहर है रूस की सेना, ये बहुत बड़ा दावा है यूक्रेन का, क्योंकि वहां जबरदस्त ठंड है, -5 -10 डिग्रीज में। ये खबरें आ रही हैं कि रूसी